फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अंकित कुलश्रेष्ठ। आई एम द असिस्टेंट प्रोफेसर मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, बाबू बनारसीदास यूनिवर्सिटी, लखनऊ। फ्रेंड्स, कल के लेक्चर में मैंने आप लोगों से थ्योरी ऑफ फेल्योर का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है, थ्योरी ऑफ फेल्योर, हम थ्योरी ऑफ फेल्योर क्यों लगाते हैं, हमने बताया था कि थ्योरी ऑफ फेल्योर लगाने का जो रीज़न है वो क्या है, जब हमारे बीम किसी भी मेंबर पर कंबाइंड स्ट्रेस लग रहा हो, यानी कि कंबाइंड स्ट्रेस का मतलब किसी भी मेंबर के क्रिटिकल पॉइंट पर यदि हमारा नॉर्मल स्ट्रेस एज वेल एज सीयर स्ट्रेस लगता है तो इस सिचुएशन को हम कंबाइंड स्ट्रेस कहते हैं। तो कंबाइंड स्ट्रेस की सिचुएशन की कंडीशन में हम मेंबर को फेल होने से बचाना चाहते हैं तो उस केस में हमको थ्योरीज ऑफ फेल्योर का सहारा लेना पड़ेगा। फिर मैंने बताया था कि जो हमारी थ्योरीज ऑफ फेल्योर होती हैं वो पांच तरीके की होती हैं। तो पहली थ्योरी है मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी, जिसको हम रैंकाइन थ्योरी भी कहते हैं। दूसरी थ्योरी होती है हमारी मैक्सिमम सीयर स्ट्रेस थ्योरी, जिस थ्योरी को हम ट्रेस्कास थ्योरी भी कहते हैं। तीसरी थ्योरी है हमारी मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी, जिस थ्योरी का दूसरा नाम हमारा सेंट वेनार्ड थ्योरी भी है। और चौथी थ्योरी है हमारी टोटल स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी, जिसको हम हाइक्स थ्योरी भी कहते हैं। और पांचवी थ्योरी है मैक्सिमम डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी, जिस थ्योरी को हम वॉन माइसेस एंड वॉन माइसेस थ्योरी भी कहते हैं। तो ये थ्योरी हमारी, ये पांचों थ्योरी हैं। इन कल के लेक्चर में मैंने इन पांच थ्योरी में से दो थ्योरी, पहली थ्योरी मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी और दूसरी थ्योरी मैक्सिमम सीयर स्ट्रेस थ्योरी, ये दोनों थ्योरी यानी कि मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी यानी कि रैंकाइन थ्योरी, मैक्सिमम सीयर स्ट्रेस थ्योरी यानी कि ट्रेस्कास थ्योरी, ये दो थ्योरी आप लोगों के साथ कल के लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था। आज के दोस्तों, आज जो है हम रिमेनिंग थ्री थ्योरीज ऑफ फेल्योर को आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। तो तीसरे नंबर की थ्योरी है हमारी मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी। मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी की मैं बात करूं, तो जो हमारा मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन होता है वो हमारा मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन का तो पहले हम लोग फेलियर की कंडीशन देखते हैं। कंडीशन ऑफ फेल्योर क्या है? फेल्योर कंडीशन है कि जब हमारा मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेन, जिसको हम एप्सिलॉन वन कह रहे हैं, एप्सिलॉन वन इज़ द मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेन एट ए क्रिटिकल पॉइंट अंडर गिवन स्टेट ऑफ स्ट्रेस, यानी कि दी हुई स्टेट ऑफ स्ट्रेस में एप्सिलॉन वन हमारा क्या है, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन है उस क्रिटिकल पॉइंट पर। तो मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन इज ग्रेटर देन यील्ड स्ट्रेन एट द यील्ड पॉइंट अंडर टेंशन टेस्ट। कंडीशन फॉर फेल्योर को मैं दोबारा दोहराता हूँ, जो मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन इज ग्रेटर देन स्ट्रेन एट यील्ड पॉइंट अंडर टेंशन टेस्ट, तो दिस इज द कंडीशन फॉर फेल्योर। अब हम बात करें यील्ड पॉइंट पर जो हमारा स्ट्रेन है अंडर टेंशन टेस्ट, तो हम लोग जानते हैं कि हमारा हुक्स लॉ कहता है कि जो हमारा यंग्स मॉडुलस है, यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला ही होता है स्ट्रेस डिवाइडेड बाई स्ट्रेन। तो यहाँ से स्ट्रेन की बात करें तो स्ट्रेन का फॉर्मूला हमारा जो यंग्स मॉडुलस होता है, जो मैं एक बार लिख देता हूँ, ई इज द स्ट्रेस बाई स्ट्रेन। तो हमारा जो स्ट्रेन होता है वो हो जाएगा स्ट्रेस बाई यंग्स मॉडुलस ई। स्ट्रेन बाई यंग्स मॉडुलस ई इज द स्ट्रेन। तो यदि हम बात करें यील्ड पॉइंट पर, तो यील्ड पॉइंट पर हमारा जो स्ट्रेस होगा, यानी कि हमारा उस समय जो स्ट्रेस होगा उसकी जगह हम क्या कह सकते हैं, यील्ड स्ट्रेंथ होगा। दैट इज इन द प्लेस ऑफ स्ट्रेस हम क्या पुट कर सकते हैं, यील्ड स्ट्रेंथ पुट कर सकते हैं। तो हमारा स्ट्रेन एट यील्ड पॉइंट अंडर टेंशन टेस्ट का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, स्ट्रेस एट यील्ड पॉइंट डिवाइडेड बाई यंग्स मॉडुलस। तो कंडीशन ऑफ फेल्योर को हम कह सकते हैं सिग्मा वन इज ग्रेटर देन यील्ड स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाई यंग्स मॉडुलस, दिस इज द कंडीशन फॉर फेल्योर। अब देखें
हमारा जो मेजर प्रिंसिपल प्लेन है, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेन है, दैट इज़ द एप्सिलॉन वन। जो एप्सिलॉन वन की जो वैल्यू है वो हमको याद, यदि हम याद करें तो एप्सिलॉन वन का जो एक्सप्रेशन है वो इस तरीके से आएगा, एप्सिलॉन वन इज इक्वल टू सिग्मा वन मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेन सिग्मा वन बाई ई माइनस के म्यू टाइम्स सिग्मा टू बाई ई सिग्मा टू बाई ई माइनस के म्यू टाइम्स सिग्मा थ्री बाई ई। दिस इज़ द मेजर प्रिंसिपल प्लेन, क्योंकि जब सिग्मा वन हमारा मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस है तो एप्सिलॉन वन हमारा मैक्सिमम स्ट्रेन हो जाएगा। तो मैक्सिमम स्ट्रेन एप्सिलॉन वन का क्या फॉर्मूला होगा, एप्सिलॉन सिग्मा वन बाई ई माइनस के म्यू टाइम सिग्मा टू बाई ई माइनस के म्यू टाइम सिग्मा थ्री बाई ई। तो हम अब हमारा जो फेलियर की कंडीशन होगी वो क्या हो जाएगी, एप्सिलॉन वन इज़ लेस देन और इक्वल टू यील्ड स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाई यंग्स मॉडुलस डिवाइडेड बाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी। फैक्टर ऑफ सेफ्टी तो आनी है, तो इस फॉर्मूले में आप देख सकते हैं कि यील्ड स्ट्रेंथ से यील्ड स्ट्रेंथ हमारा कैंसिल आउट हो गया, तो हमारा जो फाइनल एक्सप्रेशन आया जो वो आया सिग्मा वन माइनस के म्यू सिग्मा टू प्लस सिग्मा थ्री इज लेस देन इक्वल टू एस बाई टी बाई एन, यानी यील्ड स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी। जब दिस इज द कंडीशन ऑफ मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी अंडर ट्राई एक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस। जब हम बाई एक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस की बात करेंगे तो हमारा जो सिग्मा थ्री की जो वैल्यू होगी वो जीरो हो जाएगी, तो उस केस में हमारा जो एक्सप्रेशन आएगा वो आएगा सिग्मा वन माइनस के म्यू सिग्मा टू इज लेस देन और इक्वल टू एस बाई टी डिवाइडेड बाई यील्ड स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो दिस इज़ द थ्योरी ऑफ दिस इज़ द मैक्सिमम स्ट्रेन थ्योरी, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी का एक्सप्रेशन, फाइनल एक्सप्रेशन, इसको हम लोगों को याद रखना ज़रूरी है। अब हम बात करें हमारी जो चौथी थ्योरी है, दैट इज़ द टोटल स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी। दैट फोर्थ थ्योरी पर हम जाएंगे, तो हमारी जो चौथी तो अभी तक हमारी तीन थ्योरी हो गई, चौथे नंबर की थ्योरी पर हम बात करें तो दिस इज़ द टोटल स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी TSET, जिसका दूसरा नाम हम देखें तो इसका दूसरा नाम एक बार मैं कन्फर्म कर लेता हूँ, इसका दूसरा नाम टोटल स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी का, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर टोटल स्ट्रेन एनर्जी का थ्योरी का दूसरा नाम हमारा हाइक्स थ्योरी भी है। तो हम अब जो है हाइक्स थ्योरी या टोटल स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो कंडीशन फॉर फेल्योर क्या होगी, टोटल स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज ग्रेटर देन इक्वल टू स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एट यील्ड पॉइंट अंडर टेंशन टेस्ट। दिस इज द कंडीशन फॉर फेल्योर। कंडीशन फॉर सेफ डिजाइन क्या होगी, कि जो टोटल स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है दैट इज लेस देन, वो डिजाइन को सेफ करना है तो जो हमारा परमिसिबल है वो लेस होना चाहिए। टोटल स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज लेस देन और इक्वल टू स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एट यील्ड पॉइंट डिवाइडेड एट टेंशन टेस्ट। तो अब हम बात करते हैं कि हम पहले स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को कैलकुलेट करें। तो स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का जो हमारा मैथमेटिकल फार्मूला होता है दैट इज़ द 1/2 सिग्मा 1 इंटू एप्सिलॉन 1 प्लस 1/2 सिग्मा 2 इंटू एप्सिलॉन 2 प्लस 1/2 सिग्मा 3 इंटू एप्सिलॉन 3। और हम लोग जानते हैं कि जो हमारा एप्सिलॉन का जो एक्सप्रेशन है वो हमारा होता है एप्सिलॉन 1 इक्वल्स टू 1/e सिग्मा 1 माइनस के म्यू सिग्मा 2 प्लस सिग्मा 3। एप्सिलॉन 2 जो होएगा वो क्या आएगा, 1/e सिग्मा 2 माइनस के म्यू सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 3, और एप्सिलॉन 3 हमारा आएगा 1/e सिग्मा 3 माइनस के म्यू सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। ये मैंने एक्सप्रेशन आप लोगों को जो इस यूनिट में, पहली यूनिट में आपको जो बेसिक कॉन्सेप्ट और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ाया था उस टॉपिक में मैंने ये जो एक्सप्रेशन है वो आप लोगों को क्लियर कर दिए हुए हैं। आप उन लेक्चर्स को देख के एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 एप्सिलॉन 3 की वैल्यू को याद कर सकते हैं कि मैंने वहाँ आप लोगों को दिखाया था कैसे इसको
डिराइव किया जाता है, कैसे इसको लिखा जाता है। अब यहाँ मैं डायरेक्ट अब उन फॉर्मूलों का यूज कर रहा हूँ, तो मैं अब इन एप्सिलॉन 1, एप्सिलॉन 2, एप्सिलॉन 3 की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दूँ, मैं इक्वेशन नंबर 2 में पुट करूँ तो मेरा जो फाइनल एक्सप्रेशन आएगा टोटल स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम जो मेरा निकल के आता है फाइनल एक्सप्रेशन, वो आता है 1/2E सिग्मा 1 का स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 का स्क्वायर प्लस सिग्मा 3 का स्क्वायर माइनस के 2 म्यू सिग्मा 1 सिग्मा 2 प्लस सिग्मा 2 सिग्मा 3 प्लस सिग्मा 3 सिग्मा 1, दैट इज़ द टोटल स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। इन तो मैंने क्या किया, एप्सिलॉन 1, एप्सिलॉन 2, एप्सिलॉन 3 की वैल्यू को किसमें रख दिया, इन टर्म्स ऑफ प्रिंसिपल स्ट्रेस के टर्म में रख दिया, तो मेरा जो एक्सप्रेशन इस तरीके आया। फिर मैं बात करूँ स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम यील्ड एट यील्ड स्ट्रेंथ अंडर टेंशन टेस्ट जो आएगा, तो इस केस में हम सिग्मा 1 की जगह S/T यूज़ कर सकते हैं और सिग्मा 2 की जगह 0 और सिग्मा 3, क्योंकि टेंशन टेस्ट में हम जो मेंबर पे मानते हैं वो हम मानते हैं कि जो उस पर स्ट्रेस लग रहा है वो हमारे स्ट्रेंथ के बराबर लग रहा है, दैट इज़ द टेंशन टेस्ट, जैसा कि आप लोग अपने UTM मशीन पर कंडक्ट करते हैं। तो उस केस में हमारा सिग्मा 1 ही है, जो एक ही हमारा एक्सियल लोड लगता है जो स्ट्रेंथ के बराबर हो सकता है और कोई स्ट्रेस हमारा लगता नहीं है, तो और कोई लोड लगता नहीं है, तो इस वजह से सिग्मा 2 और सिग्मा 3 की जो वैल्यू होती हैं वो 0 होती हैं। तो इस केस में स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एट यील्ड पॉइंट अंडर टेंशन टेस्ट जो आएगा, दैट इज़ द जो वैल्यू सॉल्व होके आएगी। तो यहाँ से इस एक्सप्रेशन में इक्वेशन नंबर 3 में हम क्या करें, सिग्मा 1 की जगह S/T पुट करें और सिग्मा 2 और सिग्मा 3 को 0 पुट करें, तो जो स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एट यील्ड पॉइंट अंडर टेंशन टेस्ट की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी S/T यानी यील्ड स्ट्रेंथ का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2E। अब हम अपनी से जो डिजाइन की कंडीशन क्या है हमारी यील्ड स्ट्रेंथ, अब हम देखें तो हमारा फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी आता है, तो स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम अंडर टेंशन टेस्ट ये फाइनल एक्सप्रेशन आएगा, दैट इज़ अ यील्ड स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी, दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि जब स्ट्रेस का स्क्वायर होता है तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी अपॉन में हमेशा रहती है, स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो वर्किंग स्ट्रेस होता है उसका फॉर्मूला हमें याद रखना चाहिए, स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी, जब स्ट्रेंथ का ही स्क्वायर हो रहा है तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी तो अपॉन में रहेगा तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। तो स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एट यील्ड पॉइंट अंडर टेंशन टेस्ट का जो एक्सप्रेशन आ जाएगा फाइनल, वो आ जाएगा स्ट्रेन यील्ड स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी का स्क्वायर इंटू 1/2E। अब मैं क्या करूँ, इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 इन दोनों को क्या करूँ, इक्वेट कर दूँ, जो हमारी जो सेफ डिजाइन की कंडीशन क्या है, जो वर्किंग स्ट्रेस है यानी कि स्ट्रेस स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है, दैट इज़ लेस देन इक्वल्स टू स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एट यील्ड पॉइंट अंडर टेंशन टेस्ट, ये मेरा सेफ डिजाइन की कंडीशन थी। तो उस कंडीशन उस इक्वेशन में इन इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 2 की जो 4 को मैं पुट करूँ तो यील्ड स्ट्रेंथ हमारा क्या है, हमारा जो टोटल स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है वो क्या है, 1/2E सिग्मा 1 का स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 का स्क्वायर माइनस के 2 म्यू सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 2 सिग्मा 3 प्लस सिग्मा 3 सिग्मा 1 इज लेस देन इक्वल्स टू S/T/N का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1/2E। तो आप देख सकते हैं कि दोनों तरफ 1/2E कॉमन है, तो 1/2E से 1/2E हमारा क्या हो जाएगा, ये दोनों चीज़ें क्या हो जाएंगी, एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो हमारा जो फाइनल एक्सप्रेशन आएगा वो आएगा सिग्मा 1 का स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 का स्क्वायर प्लस सिग्मा 3 का स्क्वायर माइनस के 2 म्यू सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 3 सिग्मा 1 इज लेस देन इक्वल्स टू S/T अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी का होल स्क्वायर, दैट इज द एक्सप्रेशन फॉर स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी अंडर ट्राई एक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस। जब हम बाई एक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस की बात करेंगे तो सिग्मा 3 को क्या कर देंगे, जीरो पुट कर देंगे, तो हमारा जो फाइनल एक्सप्रेशन आ जाएगा अंडर बाई एक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस, उसका जो एक्सप्रेशन आ जाएगा वो आ जाएगा सिग्मा 1 का स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 का स्क्वायर माइनस के 2 म्यू सिग्मा 1 सिग्मा 2 इज लेस देन इक्वल्स टू S/T/N का होल स्क्वायर, दैट इज द एक्सप्रेशन फॉर
मैक्सी टोटल स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी। तो आपको ये फॉर्मूले हमें ये जो लास्ट में जो रिजल्ट हैं वो हमेशा मेमोराइज होना चाहिए अंडर ट्राई एक्सियल स्टेट स्ट्रेस और अंडर बाई एक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस। अब हम आगे बात करें तो ये दिस इज़ अवर थ्योरी ऑफ फेल्योर नंबर 4, ये हमारी चौथी थ्योरी ऑफ फेल्योर थी। अब हम आगे जो चर्चा करें, हमारी अगली जो थ्योरी ऑफ फेल्योर है, पाँचवीं थ्योरी ऑफ फेल्योर है, लास्ट थ्योरी ऑफ फेल्योर, मैक्सिमम डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी। मैक्सिमम डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी को हम वॉन मिसेस थ्योरी भी कहते हैं, वॉन मिसेस एंड हेंकीज थ्योरी के नाम से इसको जाना जाता है। और जब से जो सबसे फेमस नाम है वो है वॉन मिसेस थ्योरी, हेंकीज का नाम थोड़ा कम ही आता है। टोटल एक्चुअल नाम तो इसका वॉन मिसेस एंड हेंकीज थ्योरी है, बट जनरल केस में हम इसको वॉन मिसेस थ्योरी के नाम से ही जाना जाता है। तो हम पाँचवीं थ्योरी ऑफ फेल्योर को देखें तो इस केस में हमारा मैक्सिमम डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी के बात करें तो कंडीशन ऑफ फेल्योर क्या हो जाएगी। कंडीशन ऑफ फेल्योर क्या है, मैक्सिमम डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी, मैक्सिमम डिस्टॉर्शन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज ग्रेटर देन डिस्टॉर्शन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एट यील्ड पॉइंट अंडर टेंशन टेस्ट। वही कंडीशन जो टोटल स्ट्रेन एनर्जी के लिए था, वही कंडीशन डिस्टॉर्शन एनर्जी के लिए भी हो जाएगा, यानी कि मैक्सिमम डिस्टॉर्शन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू इज़ ग्रेटर देन डिस्टॉर्शन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एट यील्ड पॉइंट अंडर टेंशन टेस्ट। टीटी का मतलब टेंशन टेस्ट, बाई पी का मतलब यील्ड पॉइंट। तो कंडीशन फॉर सेफ डिजाइन हमारी यहाँ से क्या निकल के आएगी, यदि हम कंडीशन ऑफ सेफ डिजाइन की बात करें तो मैक्सिमम डिस्टॉर्शन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज लेस देन और इक्वल्स टू डिस्टॉर्शन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एट यील्ड पॉइंट अंडर टेंशन टेस्ट। दिस इज द कंडीशन फॉर सेफ डिजाइन। अब बात आती है कि हम डिस्टॉर्शन एनर्जी होती क्या है। जैसे हमने टोटल स्ट्रेन एनर्जी के बारे में कहा था, दिस इज द 1/2 सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 प्लस 1/2 सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सॉरी तो टोटल स्ट्रेन एनर्जी जो होती है दैट इज़ द 1/2 सिग्मा 1 एप्सिलॉन 1 प्लस 1/2 सिग्मा 2 एप्सिलॉन 2 प्लस 1/2 सिग्मा 3 एप्सिलॉन 3। इस फॉर्मूले का यूज़ करते हुए हमने टोटल स्ट्रेन एनर्जी निकाली थी, वो आई थी हमारी 1/2 ही सिग्मा 1 का स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 का स्क्वायर प्लस सिग्मा 3 का स्क्वायर माइनस के 2 म्यू सिग्मा 1 सिग्मा 2 प्लस सिग्मा 2 सिग्मा 3 प्लस सिग्मा 3 सिग्मा 1। दैट इज़ द टोटल स्ट्रेन एनर्जी इन केस ऑफ पॉइजन रेशियो एंड प्रिंसिपल स्ट्रेसेस, क्योंकि हमने उस केस में एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 एप्सिलॉन 3 इन तीनों की वैल्यू हमने जो फार्मूले थे वो हमने पुट करके हमने टोटल स्ट्रेन एनर्जी निकाली थी। अब हम सिमिलरली इसमें हम टोटल डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी में हम डिस्टॉर्शन एनर्जी का एक्सप्रेशन निकालना चाहेंगे। तो इस फॉर्मूले इसमें क्या है, जिस फॉर्मूले को आप मेमोराइज करिए, हमेशा याद रखिए, टोटल स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम जो होता है ये दो एनर्जी का सम होता है। टोटल स्ट्रेन एनर्जी जो है वो हमारी दो एनर्जी का सम होता है। पहला होता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम प्लस डिस्टॉर्शन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इन दो एनर्जी का दो स्ट्रेन एनर्जी का सम है हमारा टोटल स्ट्रेन एनर्जी। तो डिस्टॉर्शन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम होगी वो क्या हो जाएगी, टोटल स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम माइनस वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो डिस्टॉर्शन एनर्जी हम क्या करें, डिस्टॉर्शन एनर्जी को निकालना चाहें तो इस टोटल स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम माइनस वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो हम टोटल स्ट्रेन एनर्जी को तो कैलकुलेट कर ही चुके हैं, इसका जो एक्सप्रेशन आया दैट इज़ द 1/2 सिग्मा 1 का स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 का स्क्वायर प्लस सिग्मा 3 का स्क्वायर माइनस के 2 म्यू सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 2 सिग्मा 3 प्लस सिग्मा 3 सिग्मा 1। ये तो हमारा टोटल स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है। अब बात आती है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या होता है। तो इसके लिए जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन एनर्जी होती है दैट इज़ द 1/2 एवरेज स्ट्रेस माइनस वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होती है। एवरेज स्ट्रेस तो हमारा सिग्मा हो जाएगा और हमारा जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है वो क्या हो जाएगा, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन जैसे आप जानते हैं दैट इज़ द सम ऑफ एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन 2 प्लस एप्सिलॉन 3। एप्सिलॉन 1 का मान एप्सिलॉन 2 का मान एप्सिलॉन 3 का मान हम तीनों को ऐड करें
तो हमारा जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन एनर्जी, जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आ जाएगा वो आ जाएगा 1-2μe सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 प्लस सिग्मा 3, क्योंकि एप्सिलॉन 1 क्या है हमारा, सिग्मा 1 माइनस के सिग्मा 1 अपॉन ई माइनस के सिग्मा 2 अपॉन म्यू टाइम सिग्मा 2 अपॉन ई माइनस म्यू टाइम सिग्मा 3 अपॉन ई। सिमिलरली एप्सिलॉन 2 जो हमारा होता है वो क्या होता है, सिग्मा 2 अपॉन ई माइनस सिग्मा म्यू टाइम सिग्मा 1 अपॉन ई माइनस म्यू टाइम सिग्मा 3 अपॉन ई। और जो हमारा एप्सिलॉन 3 होता है वो क्या होता है, सिग्मा 3 अपॉन ई माइनस म्यू टाइम सिग्मा 1 अपॉन ई माइनस म्यू टाइम सिग्मा 2 अपॉन ई। तो तीनों का जब सम कर देते हैं तो 1-2μ हमारा कॉमन, 1-2μ अपॉन ई कॉमन निकल जाता है और अंदर बचता है सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 प्लस सिग्मा 3। तो यहाँ से हमारा जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन पर यूनिट वॉल्यूम जो आया एक्सप्रेशन वो आता है सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 को यदि हम बराबर कहते हैं तो जो 3 टाइम्स हो गया 3/2 सिग्मा सिग्मा स्क्वायर 1-2μe इज द एक्सप्रेशन ऑफ वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। अब हम क्या करेंगे, डिस्टॉर्शन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को निकालने के लिए टोटल स्ट्रेन एनर्जी जो कि 1/2e सिग्मा 1 का स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 का स्क्वायर प्लस सिग्मा 3 का स्क्वायर माइनस 2μ सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 3 सिग्मा 1 जो है, इसमें से हम हमारा जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन एनर्जी का जो मैंने एक्सप्रेशन निकाला उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो दोनों को सब्ट्रैक्ट, दोनों की वैल्यू को पुट करके सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो हमारा, आप लोग कैलकुलेशन करिए, कैलकुलेशन करने के बाद जो हमारी मैक्सिमम डिस्टॉर्शन एनर्जी, डिस्टॉर्शन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का जो एक्सप्रेशन आता है वो आता है 1+μ/6e सिग्मा 1 का स्क्वायर सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 का स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 3 का स्क्वायर प्लस सिग्मा 3 माइनस सिग्मा 1 का स्क्वायर। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन और आप इसको डायरेक्ट भी हमेशा इस फॉर्मूले को मेमोराइज करके रखिए, क्योंकि यही हमारा डिस्टॉर्शन एनर्जी में काम में आने वाला है। तो मैं बात करूँ तो एक्सप्रेशन क्या आया, 1+μ/6e ब्रैकेट में सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 का होल स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 3 का होल स्क्वायर माइनस सिग्मा 3 माइनस सिग्मा 1 का होल स्क्वायर। अब हम बात करें डिस्टॉर्शन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एट यील्ड पॉइंट अंडर टेंशन टेस्ट। तो आप जैसा जानते हैं कि टेंशन टेस्ट में हमारा सिर्फ और सिर्फ जो सिग्मा 1 होता है दैट इज़ द S/T यानी यील्ड स्ट्रेंथ के बराबर होता है और सिग्मा 2 और सिग्मा 3 की वैल्यू हम जीरो पुट करते हैं, तो उस केस में हमारा डिस्टॉर्शन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम जो आ जाता है वो आता है इस, यानी कि इक्वेशन इस ए इक्वेशन में, इस इक्वेशन में मैं सिग्मा 1 की जगह S/T यानी यील्ड स्ट्रेंथ पुट करूँ और सिग्मा 2 और सिग्मा 3 की वैल्यू जीरो पुट करूँ तो मेरा जो एक्सप्रेशन आ जाएगा डिस्टॉर्शन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एट यील्ड पॉइंट अंडर टेंशन टेस्ट का जो एक्सप्रेशन आ जाएगा वो मेरा आ जाएगा 1+μ/3e S/T/N का होल स्क्वायर। इज ऑलवेज रिमेंबर दिस फॉर्मूला। तो हमारी क्या है सेफ डिजाइन की कंडीशन क्या है, मैक्सिमम डिस्टॉर्शन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज लेस देन और इक्वल टू डिस्टॉर्शन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एट यील्ड पॉइंट अंडर टेंशन टेस्ट। तो हम दोनों को इक्वेट कर देंगे तो डिस्टॉर्शन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम की जगह क्या लेंगे, 1+μ/6e ब्रैकेट में सिग्मा 1 का स्क्वायर माइनस सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 का स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 3 का स्क्वायर प्लस सिग्मा 3 माइनस सिग्मा 1 का होल स्क्वायर इज लेस देन इक्वल्स टू 1+μ/3e S/T/N का होल स्क्वायर। तो यहाँ से 1+μ से 1+μ कैंसिल आउट हो जाएगा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं इससे ये कैंसिल आउट हो गया और यहाँ पर e से e कैंसिल आउट हो गया और 3 का जब 6 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो जो फाइनल एक्सप्रेशन मेरा आता है, फाइनल एक्सप्रेशन मेरा आएगा वो जो मेरा आएगा वो 1/2 सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 का होल स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 3 का होल स्क्वायर प्लस सिग्मा 3 माइनस सिग्मा 1 का होल स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल्स टू यील्ड स्ट्रेंथ अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी का होल स्क्वायर।
यू ऑलवेज रिमेंबर दिस फॉर्मूला इन केस ऑफ मैक्सिमम डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी थ्योरी, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, यही आपके काम में आने वाला है। दिस इज द कंडीशन अंडर ट्राई एक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस। यदि हम बाई एक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस की बात करेंगे तो हम उस केस में सिग्मा 3 को 0 पुट करेंगे, तो सिग्मा 3 को 0 पुट करने के बाद जो मेरा फाइनल एक्सप्रेशन जो आएगा वो मेरा आएगा सिग्मा 1 का स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 का स्क्वायर माइनस सिग्मा 1 सिग्मा 2 इज लेस देन इक्वल्स टू यील्ड स्ट्रेंथ एस बाई टी बाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी एन का होल स्क्वायर। तो ये हमारी पांचों थ्योरीज ऑफ फेल्योर के बारे में हो गया। ये पांचों थ्योरी ऑफ फेल्योर आपको हमेशा मेमोराइज रहनी चाहिए। यदि आप इन पांचों थ्योरी ऑफ फेल्योर को मेमोराइज करके रखेंगे तो आपको किसका भी कोई दिक्कत नहीं होगी थ्योरीज ऑफ फेल्योर लगाने में। अब फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को थोड़ा सा इन पांचों थ्योरी ऑफ फेल्योर के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं वो मैं थोड़ा सा इनको समराइज़ करूँ। तो पहला आप देख सकते हैं, पहली हमारी थ्योरी है मैक्सिमम, अब मैं समरी दे रहा हूँ तो इसकी समरी को देखें। तो पहली हमारी कौन सी थ्योरी थी, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी। तो मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी में जो हमारा मेजर प्रिंसिपल, जो हमारी थ्योरीज ऑफ फेल्योर लगेगी वो क्या होगी, सिग्मा वन मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस सिग्मा वन इज लेस देन और इक्वल्स टू एस बाई टी अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी। दिस इज द कंडीशन, दिस यू ऑलवेज रिमेंबर द फॉर्मूला इन केस ऑफ मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी। क्या है फॉर्मूला, सिग्मा वन इज लेस देन और इक्वल्स टू एस बाई टी डिवाइडेड बाई एन। अब मैं बात करूं दोस्तों, ये पहली थ्योरी मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी की बात की, जिसको हम रेनकाइन थ्योरी भी कहते हैं। अब मैं दूसरी थ्योरी की बात करूं जिसको मैं मैक्सिमम सियर स्ट्रेस थ्योरी या ट्रेस्कास थ्योरी भी कहता हूं। तो इस केस में हमारा जो एक्सप्रेशन है उसके लिए मैं हमेशा याद रखूँगा ये कंडीशन, ये हमेशा मैं याद रखूँगा, ये जो हमारा एब्सोल्यूट टाऊ मैक्स इज लेस देन इक्वल्स टू एस बाई टी बाई टू एन। तो एब्सोल्यूट टाऊ मैक्स की जगह भी याद क्या होता है, इट इज़ द वैल्यू ऑफ सिग्मा वन माइनस सिग्मा वन बाई टू और सिग्मा वन माइनस सिग्मा टू बाई टू, जो भी मैक्सिमम हो इन दोनों में से वो इज लेस देन इक्वल्स टू एस बाई टी यील्ड स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाई टू इंटू फैक्टर ऑफ सेफ्टी। ये फार्मूला आपको हमेशा याद रखना चाहिए। अब तीसरी थ्योरी हमारी याद है जिसको मैं मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेंथ थ्योरी कहूँगा। तो इस केस में जो मेरा फाइनल एक्सप्रेशन आया उसको मैं याद रखने की कोशिश करूं, तो ये दो एक्सप्रेशन हम हमेशा याद रखेंगे इन केस ऑफ मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी। तो सिग्मा वन माइनस के म्यू सिग्मा टू प्लस सिग्मा थ्री इज लेस देन और इक्वल्स टू एस बाई टी बाई एन, और बाई अंडर बाई एक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस सिग्मा वन माइनस के म्यू सिग्मा टू इज लेस देन इक्वल्स टू एस बाई टी डिवाइडेड बाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो ये फार्मूला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी, जिसको हम हाइक्स थ्योरी भी, जिसको हम सॉरी सेंट वेंटास थ्योरी भी बोलते हैं। अगला हमारा थ्योरी है टोटल स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी। टोटल स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी के केस में हमको जो फार्मूला याद रखना है वो है हमारा दिस फार्मूला, सिग्मा वन का स्क्वायर प्लस सिग्मा टू का स्क्वायर प्लस सिग्मा थ्री का स्क्वायर माइनस के टू म्यू सिग्मा वन सिग्मा टू प्लस सिग्मा टू सिग्मा थ्री प्लस सिग्मा थ्री सिग्मा वन इज लेस देन और इक्वल्स टू एस बाई टी डिवाइडेड बाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी। देखिए इधर स्ट्रेस का स्क्वायर हो रहा है तो यहाँ भी यील्ड स्ट्रेंथ अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी का स्क्वायर होगा। ये बात आपको ध्यान देने वाली बात है, यदि स्ट्रेस का स्क्वायर हो रहा है तो यील्ड स्ट्रेंथ अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी का भी स्क्वायर होगा। पहले दो एक्सप्रेशन में, पहली दो थ्योरी में, तीनों थ्योरी में कहीं भी स्ट्रेस का स्क्वायर नहीं हो रहा था, तो सीधे हमारा जो राइट हैंड साइड थी उसमें एस बाई टी यानी कि यील्ड स्ट्रेंथ अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी डायरेक्ट आ रहा था। इस केस में हमारा स्ट्रेस का स्क्वायर हो रहा है तो आप भी जो है राइट हैंड डायरेक्शन में यील्ड स्ट्रेंथ अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी का सीधे सीधे स्क्वायर कर दीजिए। दिस इज द कंडीशन अंडर बाई एक्सियल ट्राई एक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस। जब मैं बाई एक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस की बात करूँ तो जो मेरा एक्सप्रेशन आएगा वो आएगा सिग्मा वन का स्क्वायर, वहाँ सिग्मा थ्री हम जीरो पुट करेंगे तो एक्सप्रेशन आएगा सिग्मा वन का स्क्वायर प्लस सिग्मा टू का स्क्वायर माइनस के टू म्यू सिग्मा वन सिग्मा टू इज लेस देन इक्वल्स टू
यील्ड स्ट्रेंथ अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी का होल स्क्वायर। तो दिस इज द कंडीशन फॉर टोटल स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी, जिसको हम हाइक्स थ्योरी भी बोलते हैं। दिस थ्योरी इज ऑल्सो नोन एज हाइक्स थ्योरी। अब मैं पांचवी थ्योरी पर बात करता हूँ, जिसको मैं टोटल स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी भी टोटल डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी, वॉन माइसेस थ्योरी, या इस थ्योरी को मैं वॉन माइसेस एंड हैंकी थ्योरी भी कहते हैं। तो इस केस में जो फाइनल एक्सप्रेशन है उसको आप हमेशा याद रखिए, अंडर ट्राई एक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस जो एक्सप्रेशन आता है, दैट इज़ द 1/2 सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 का होल स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 3 का होल स्क्वायर माइनस प्लस सिग्मा 3 माइनस सिग्मा 1 का होल स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल्स टू। अब देखिए यहाँ पर इस केस में भी एनर्जी में, इस एनर्जी में भी क्या हुआ, स्ट्रेस का लेफ्ट हैंड साइड में जो स्ट्रेस का स्क्वायर हुआ, तो हम राइट हैंड डायरेक्शन में भी यील्ड स्ट्रेंथ अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी का होल स्क्वायर कर देंगे। ये बात आपको हमेशा याद रखनी चाहिए। और इस एक्सप्रेशन में आगे 1/2 है, ये बात भी ध्यान देने वाली बात है, लोग अक्सर कर इस चीज़ को मिस कर जाते हैं, बट आप लोगों को इस चीज़ को मिस नहीं करना है। दिस इज़ द कंडीशन ऑफ डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी अंडर ट्राई एक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस। जब हम बाई एक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस की बात करेंगे तो वहाँ सिग्मा 3 जीरो पुट करेंगे तो जो मेरा एक्सप्रेशन आता है वो आता है सिग्मा 1 का स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 का स्क्वायर माइनस सिग्मा 1 सिग्मा 2 इज लेस देन इक्वल्स टू यील्ड स्ट्रेंथ अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी का होल स्क्वायर। आई होप फ्रेंड्स यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। अब फ्रेंड्स मैं आगे बात करूँ कि इन थ्योरी में कौन सी बेस्ट थ्योरी है, कौन सी बेस्ट थ्योरी है, ऐसा सिलेक्शन हम लोगों से जनरली करवाया जाता है। तो एक चीज़ आप याद रखिए, मैं यहाँ एक प्रॉब्लम लेके चल रहा हूँ, फॉर ए डक्टाइल मटेरियल अंडर प्योर टेंशन। प्योर टेंशन के केस में एक मेरा डक्टाइल मटेरियल है जिस पर मेरा प्योर सियर स्ट्रेस टाउ लग रहा है, तो क्या वहाँ पर नॉर्मल स्ट्रेस जनरेट नहीं होगा प्योर सियर के केस में? बिल्कुल होगा। तो उसके जो कैसे हम निकालेंगे, हमको मालूम है जो हमारा सिग्मा 1 या सिग्मा 2 का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/2 सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर प्लस 4 टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला मैंने आप लोगों को प्रिंसिपल स्ट्रेस जब पढ़ाया था उसमें पढ़ाया था। अब देखिए यहाँ पर सिग्मा एक्स क्या है, जीरो, सिग्मा वाई क्या है, जीरो, तो बचा क्या हमारा, सिर्फ सियर स्ट्रेस बचा टाउ एक्स वाई। टाउ एक्स वाई की वैल्यू क्या है, टाउ है, तो हमारा जो सिग्मा वन की वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, सब एक्स सिग्मा वाई जीरो पुट कर दें, सिर्फ टाउ एक्स वाई की जगह टाउ आ जाएगा, तो सिग्मा वन क्या हो जाएगा, प्लस टाउ आ जाएगा, और सिग्मा टू क्या हो जाएगा, वो माइनस टाउ आ जाएगा। तो हमारे इस केस में जो प्रिंसिपल स्ट्रेस सिग्मा वन इज़ द प्लस टाउ और माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेन सिग्मा टू इज़ द माइनस टाउ। तो हम इस केस में पहले लगा रहे हैं मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी। मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी क्या कहती है, जो मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस है सिग्मा वन वो क्या होता है, यील्ड स्ट्रेंथ अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी से लेस होता है। सिग्मा वन इज लेस देन और इक्वल्स टू यील्ड स्ट्रेंथ अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी। अब यहाँ सिग्मा वन की वैल्यू क्या है, शियर स्ट्रेस टाउ के बराबर है, तो टाउ इज लेस देन इक्वल्स टू एस बाई टी इन टू एन। तो यहाँ पर तो इस केस में प्योर शियर के केस में मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी से हमारा एक्सप्रेशन क्या हुआ, टाउ इज लेस देन इक्वल्स टू एस बाई टी अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी। अब हम बात करें इसमें हम मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी लगाएं, तो मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी का जो मैंने फाइनल एक्सप्रेशन आपको बताया था अंडर बाई एक्सियल स्ट्रेस स्टेट ऑफ स्ट्रेस, दैट इज़ अ सिग्मा वन माइनस के म्यू सिग्मा टू इज लेस देन इक्वल्स टू एस बाई टी अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी। अब यहाँ पर सिग्मा वन क्या है, सिग्मा वन इज़ अ प्लस टाउ और सिग्मा टू क्या है, माइनस टाउ। तो मैं इस एक्सप्रेशन में सिग्मा वन बराबर प्लस टाउ और सिग्मा टू इक्वल्स टू माइनस टाउ रखूँगा तो मेरा जो आ जाएगा टाउ इंटू वन प्लस म्यू, टाउ कॉमन आ जाएगा क्योंकि माइनस सिग्मा टू की जगह क्या है, माइनस टाउ, माइनस माइनस प्लस, तो टाउ कॉमन आ जाएगा, बचेगा का अंदर क्या, वन प्लस म्यू वन, तो टाउ इंटू वन प्लस म्यू इज लेस देन इक्वल्स टू एस बाई टी अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो यहाँ से सियर स्ट्रेस कितना आ गया, एस बाई टी अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी डिवाइडेड बाई वन वन प्लस म्यू। तो ये
हमारा शियर स्ट्रेस का एक्सप्रेशन आ गया इन केस ऑफ मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी। अब मैं बात करूँ टोटल स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी की, तो टोटल स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी में हमारा जो मैक्सिमम जो हमारा जो कंडीशन आती है वो जो कंडीशन आती है दैट इज़ द अंडर बाईएक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस दैट इज़ द सिग्मा वन का स्क्वायर प्लस सिग्मा टू का स्क्वायर माइनस के टू म्यू सिग्मा वन सिग्मा टू डिवाइडेड बाई इज लेस देन इक्वल्स टू एस बाई टी अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी का होल स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर अपना सिग्मा वन की जगह प्लस टाउ और सिग्मा टू की जगह माइनस टाउ लगेंगे, तो यहाँ पर हमारा टू टाउ स्क्वायर कॉमन आ गया और अंडर ब्रैकेट में क्या गया क्या बचा वन प्लस म्यू, तो टू टाउ स्क्वायर ब्रैकेट में वन प्लस म्यू इज लेस देन इक्वल्स टू एस बाई टी अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो यहाँ से दोनों इस दोनों साइड में हम अंडर रूट करें तो हमारा यहाँ से जो एक्सप्रेशन आ जाएगा वो क्या आएगा टाउ इंटू अंडर रूट ऑफ टू वन प्लस म्यू इज लेस देन इक्वल्स टू एस बाई टी अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो यहाँ से शियर स्ट्रेस क्या आएगा एक्सप्रेशन एस बाई टी अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ वन टू इंटू वन प्लस म्यू। तो दिस इज द शियर स्ट्रेस फॉर टोटल स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी। अब मैं अगली थ्योरी बात लगाऊँ मैक्सिमम डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी। तो मैक्सिमम डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी अंडर बाईएक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस क्या कहती है सिग्मा वन का स्क्वायर प्लस सिग्मा टू का स्क्वायर माइनस के सिग्मा वन सिग्मा टू इज लेस देन इक्वल्स टू यील्ड स्ट्रेंथ अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी का होल स्क्वायर। तो मैं इस केस में सिग्मा वन की जगह टाउ और सिग्मा टू की जगह माइनस टाउ लगाऊं तो हमारा एक्सप्रेशन कुछ इस तरीके से आ जाएगा थ्री दोनों तरफ रूट ले लेंगे तो रूट थ्री टाउ इज लेस देन और इक्वल्स टू यील्ड स्ट्रेंथ अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो यहाँ से टाउ यानी कि शियर स्ट्रेस इज लेस देन इक्वल्स टू यील्ड स्ट्रेंथ अपॉन रूट थ्री। फिर मैं इसमें अब इसी क्वेश्चन में मैं मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी लगाना चाहूँ तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी क्या कहती है इस केस में हमारा सिग्मा जो शियर स्ट्रेस थ्योरी लगेगी वो क्या लगेगी सिग्मा वन माइनस सिग्मा टू बाई टू इज लेस देन इक्वल्स टू एस बाई टी अपॉन टू एन। यहाँ पर याद देने वाली बात है कि यील्ड स्ट्रेस होता है तो यील्ड स्ट्रेस क्या होता है यील्ड शियर स्ट्रेस इज द यील्ड स्ट्रेस बाई टू तो टू एन आता है यहाँ पर। तो हमारा जो सिग्मा वन की जगह प्लस टाउ और सिग्मा टू की जगह माइनस टाउ लगाएं तो हमारा एक्सप्रेशन आएगा टाउ इज लेस देन और इक्वल्स टू यील्ड स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाई टू एन। तो हम देखें हम एक एक थ्योरी में देखें तो यहाँ पर जो टाउ के जो एक्सप्रेशन है उसके डिनोमिनेटर में मेरा यहाँ पर क्या आ रहा है यदि मैं डिनोमिनेटर देखूँ तो मेरा डिनोमिनेटर यहाँ वन है। इस मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी के डिनोमिनेटर में देखूँ तो मेरा डिनोमिनेटर क्या है वन प्लस म्यू है। यदि मैं टोटल स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी के डिनोमिनेटर में देखूँ तो मेरा जो डिनोमिनेटर में जो आता है वो क्या आता है अंडर रूट ऑफ वन प्लस अंडर रूट ऑफ टू वन प्लस म्यू। अब मैं इसके बाद मैं मैक्सिमम डिस्टॉर्शन एनर्जी टोटल मैक्सिमम डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी के एक्सप्रेशन में देखूँ तो मेरा जो आता है डिनोमिनेटर में वो क्या आता है अंडर रूट थ्री आता है। और मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी के एक्सप्रेशन में देखूं तो मेरा डिनोमिनेटर में क्या आता है टू आता है। तो मैं इन सभी को थ्योरी को एक समरी के फॉर्म में लिखना चाहूं तो मेरा टेबल कुछ इस तरीके से बनेगी। यदि मैं टेबल बनाऊं तो मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी में वन मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी में वन अपॉन म्यू यदि म्यू को मैं 0.3 ले लूँ तो जो एक्सप्रेशन आएगा 0.77। फिर टोटल स्ट्रेन एनर्जी को देखें तो इसका जो एक्सप्रेशन आएगा वन अपॉन अंडर रूट ऑफ टू वन प्लस म्यू इसको सॉल्व करें तो 0.62 आएगा। फिर मैक्सिमम डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी को देखें तो इसका एक्सप्रेशन वन अपॉन रूट थ्री को सॉल्व करें तो जो आएगा 0.577। और मैं मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी को देखूं तो एक्सप्रेशन आएगा 0.5। तो इसका सिग्निफिकेंट क्या है मैंने इसको निकाल के क्या फ़ायदा किया तो आप देख रहे हैं कि मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी में 0.5 यानी कि जो हमारा डिज़ाइन स्ट्रेस आएगा यानी यील्ड स्ट्रेंथ जो हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेंगे वो 1/2 लेंगे आधी। ये जो रिजल्ट आएगा यदि मान लीजिए हमारा अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी कह रहा है कि हमारा 100 MPa पर कोई मटेरियल सेव है तो अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी
वो जो मटेरियल होगा वो 100 के आदि नहीं की, वो कहेंगे कि 50, नहीं, मैक्सिमम स्ट्रेस हमारा 50 मेगा पास्कल लगना चाहिए। मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी यदि कहे 100 मेगा पास्कल लगना चाहिए, तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी कहेगी कि नहीं, उस पर लोड 50 मेगा पास्कल लगना चाहिए। यानी कि हम यदि हम मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी का प्रयोग करते हैं इन सभी थ्योरियों में, तो हम सबसे सेफ डिसाइड में जाएंगे। फिर उसके बाद हमारा जो डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी है वो हमको सबसे सेफ रिजल्ट देगा। फिर उसके बाद हमारी जो टोटल स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी है वो हमको सबसे सेफ कंडीशन देगी। फिर जो हमारी मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी है वो उसके कम डिजाइन हमको सेफ देगी, और सबसे कम डिजाइन जो सेफ्टी रहेगी वो मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी के केस में रहेगी। तो सीक्वेंस यदि हम देखें तो हमारे डिजाइन की जो सीक्वेंस आती है वो कुछ इस तरीके से ही आती है। सबसे सेफ डिजाइन मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी में कहते हैं, तो फॉर सेफ डिजाइन वी ऑलवेज प्रिफर मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी। जब बात इकोनॉमिक की भी आ जाती है, फॉर मोस्ट इकोनॉमिक एंड सेफ डिजाइन, तो हमारी मैक्सिमम डिस्ट्रक्शन एनर्जी थ्योरी। यानी कि हम क्या कहें कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में हमारी मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी, जिसका हम ट्रेस्कास थ्योरी कहते हैं ये, और मैक्सिमम डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी हमारी, जो हमको सेफ एंड इकोनॉमिक, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी या ट्रेस्कास थ्योरी हमारी मोस्ट सेफ रिजल्ट देती है, और मैक्सिमम डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी यानी कि वॉन मिसेस थ्योरी हमारा मोस्ट सेफ एंड इकोनॉमिक रिजल्ट देती है। तो इन थ्योरीज को इस सीक्वेंस में हम लोग देखते हैं कि कभी कभी कंडीशन ऐसी आती है कि हमारा मटेरियल का सेफ रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो उस केस में हम मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी लगाते हैं। किसी किसी केस में हमारा इकोनॉमी भी कंस्टेंट हो जाती है, इकोनॉमी भी रहनी चाहिए और डिजाइन भी, सेफ्टी भी ज़रूरी है, तो उस केस में हम मैक्सिमम डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी लगाते हैं। आई होप आपको ये डिस्कशन समझ में आ गया होगा और सारी थ्योरी ऑफ फेल्योर क्लियर हो गई होंगी। तो फ्रेंड्स, मेरा थ्योरी ऑफ फेल्योर का जो टॉपिक है वो अपने अंतिम चरण में है। अब मैं लास्ट टॉपिक डिस्कस करता हूँ कि जो हमारी मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी है उसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है वो एक स्क्वायर होता है। द स्क्वायर इज़ द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी। और मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी का जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन रहता है वो एक हेक्सागोनल रहता है, जैसा कि आप एक क्यूब के फॉर्म में रहता है, जैसा इस फिगर में आप देख रहे हैं। और हमारी बात करें टोटल स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी के केस में, तो जो हमारा जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आता है वो एक रोम्बस होता है। कैस क्या होता है? एक रोम्बस होता है, यानी कि स्क्वायर नहीं होता। इसकी रोम्बस क्या होता है? जिसकी डायमेंशन अलग अलग हों, मतलब सारी साइडें तो बराबर हों पर एंगल 90 हो, तो रोम्बस आता है किस केस में? मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी के केस में। और मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस एनर्जी थ्योरी के केस में जो हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है वो स्क्वायर होता है। मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस एनर्जी के थ्योरी में हमारा जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है वो हेक्सागोनल होता है। मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी के केस में, प्रिंसिपल स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी के केस में, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन के थ्योरी के केस में हमारा जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन रहता है वो रोम्बस रहता है। और टोटल स्ट्रेन एनर्जी के केस में जो हमारा जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन रहता है वो इलिप्टिकल रहता है, सिमिलर एज मैक्सिमम डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी के केस में जो हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन रहता है वो भी एक इलिप्स रहता है। वो हम लास्ट में समराइज़ करें, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी या रेनकाइन थ्योरी के केस में हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एक स्क्वायर रहता है। मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस, जिसको हम वॉन मिसेस थ्योरी भी कहते हैं, ट्रेस्कास थ्योरी भी कहते हैं, उस केस में हमारा जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन रहता है वो एक हेक्सागोनल रहता है। मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी, जिसको हम सेंट वेंटास थ्योरी भी कहते हैं, उस केस में जो हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन रहता है वो एक रोम्बस रहता है। अब बात करें हम टोटल स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी, जिसको हम हाइक्स थ्योरी भी कहते हैं, उस केस में हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एक इलिप्स रहता है। और हम बात करें मैक्सिमम डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी या वॉन मिसेस थ्योरी, उस केस में जो हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन रहता है वो भी एक इलिप्स रहता है। तो फ्रेंड्स,
दिस इज़ द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो आपको याद रहना चाहिए बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में, गेट एग्जाम में, आपके इंजीनियरिंग सर्विसेज में ये हमारा जो है क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से रिलेटेड मैचिंग में आता है हमारा, कई बार आया है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। तो इसी के साथ मैं अपना जो टॉपिक है जिसको मैंने थ्योरी ऑफ फेल्योर नाम दिया था, ये थ्योरी ऑफ फेल्योर का टॉपिक मेरा ओवर होता है। ओके फ्रेंड्स, बाय, गुड नाइट।